महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पीडीपी गठबंधन टूटने के बाद धारा 370 पर बोलते हुए कहा है कि तानाशाही से राज्य में सरकार नहीं चल सकती है। सबसे बड़ा अप्रेंशन था 370 को लेके, हमारे स्पेशल स्टेटस को लेके, और हमने पिछले 3-4 साल जिस तरह से 370 को 35A के खिलाफ हमने कोर्ट में उसको डिफेंड किया और 370 की पोजीशन को पूरी तरह से हमने उसका दफा किया। इसके अलावा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के हवाले से 11,000 नौजवानों के खिलाफ हमने केसेस विड्रॉ किए, हमने यहाँ यूनिलेटरल सीज फायर करवा दिया, हमने यहाँ नॉट लेस देन द होम मिनिस्टर के लेवल से डायलॉग का एक ऑफर यहाँ दी गई। और हमारा जो पीडीपी का जो मकसद था रिकंसिलेशन का, जो हमारा मुफ्ती साहब का ख्वाब था कि यहाँ डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमारा हमेशा ये मानना रहा है जम्मू कश्मीर में मस्कुलर पॉलिसी नहीं चल सकती, जम्मू कश्मीर में वी कांट ट्रीट जम्मू कश्मीर एज एन एनिमी टेरिटरी। ये हमारे दुश्मनों की टेरिटरी नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की टेरिटरी है, इसलिए यहाँ मस्कुलर पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती है। बताते चले आपको, राज्य में छठी बार राज्यपाल शासन लागू हो गया है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।